उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक मोबाइल लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए 11 मोबाइल और 3 चाकू भी बरामद किए हैं। वहीं इन मोबाइल लुटेरों की गिरफ्तारी होने से हापुड़ पुलिस ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से सिटी कोतवाली क्षेत्र हापुड़ में मोबाइल लूट की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक हापुड़ ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए एक टीम का गठन किया। आज इसी कड़ी में हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस ने इन मोबाइल लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि ये शातिर मोबाइल लुटेरे इतने शातिर थे कि पलक झपकते ही रोड पर फोन से बात करते हुए लोगों से फोन लूटकर चंद सेकंडों में फरार हो जाते थे। इंचार्ज जदीद हमारे श्रवण गौतम हैं, वो और उनकी टीम ने कल जो है ये 3 शातिर लुटेरे पकड़े हैं, जिनका काम शहर में अपने एरिया में रेकी करके बाइक से पहले रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद मोबाइल स्नैचिंग या जो भी इनको मिलता है अपना स्नैच करके भाग जाते हैं। इनके पास से 11 मोबाइल विभिन्न कंपनियों के और 3 अरब चाकू इनके पास से बरामद हुआ है और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। हापुड़ नगर से ये लगभग 5 मुकदमों में जेल गए हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रियाज अहमद की रिपोर्ट।